हर दोस्तों यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जेबी सीआईबी और बैंक प्रमोशन के संदर्भ से हम लोग बात कर यूको बैंक प्रमोशन एग्जाम का प्रीवियस क्वेश्चन से, क्लर्क से ऑफिसर का क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है। यहाँ यूको बैंक प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क से ऑफिसर कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर आपका यूको बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपका वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा जो कि कवर करेगा पूरा सर्कुलर्स के वीडियोज को, लेटेस्ट रहेगा, पूरा कवर करेगा सारे सेक्शंस को, क्वेश्चन से डिस्कशन की वीडियो हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, क्वेश्चन से 3 सेट का क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा आपका। प्राइस रखा गया 2,000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3,000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले सवाल पाते हैं, टर्म्स नॉट रिलेटेड विथ मनी लॉन्ड्रिंग इज, कौन सा टर्म मनी लॉन्ड्रिंग के संबंध में नहीं है? ये ऑप्शन है स्मर्फिंग, बी ऑप्शन है फ्रंट कंपनी, सी ऑप्शन है लिस्टेड कंपनी, डी ऑप्शन है सेल कंपनी। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। कौन सा इसमें ऑप्शन मनी लॉन्ड्रिंग संबंध नहीं, तो जैसे स्मर्फिंग संबंध रखता है, फ्रंट कंपनी भी संबंध रखता है, लिस्टेड कंपनी नहीं संबंध रखता है, और सेल कंपनी भी संबंध रखता है मनी लॉन्ड्रिंग के संबंध में। कौन सा नहीं रखता है? लिस्टेड कंपनी, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर टू, विच वन इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ केवाईसी, केवाईसी का कौन सा इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं है? ये ऑप्शन है टू इंश्योर कंप्लायंस विद गाइडलाइंस इंस्ट्रक्शंस इशूड बाय रेगुलेटर्स, या कंप्लायंस करना है उसकी इंश्योरिटी करनी है गाइडलाइंस इंस्ट्रक्शन जो इशू किया गया है रेगुलेटर्स के द्वारा। बी ऑप्शन है टू पुट इन प्लेस ए प्रॉपर मैकेनिज्म फॉर डिटेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ सस्पिशियस ट्रांजेक्शन, बोलता है कि प्रॉपर मैकेनिज्म होगा जहां डिटेक्ट और रिपोर्ट किया जाएगा सस्पिशियस ट्रांजेक्शन का। सी ऑप्शन है टू पुट इन प्लेस ए प्रॉपर मैकेनिज्म फॉर डिटेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड, यहाँ पे बोलता है पुट इन प्लेस किया जाएगा प्रॉपर मैकेनिज्म ताकि डिटेक्ट कर सके, रिपोर्ट कर सके फ्रॉड को। डी ऑप्शन है टू प्रिवेंट बैंक फ्रॉम बींग यूज फॉर मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, बैंक को रोका जा सके ताकि यूज ना कर सके मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के लिए। तो इसमें से क्या ऑब्जेक्टिव नहीं है केवाईसी का, वो आपसे पूछा जा रहा है। जो ए ऑप्शन बोलता है कि आपका इंश्योर करना कंप्लायंस गाइड रेगुलेटर के साथ एज पर गाइडलाइंस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से, बात सही है। फिर बी ऑप्शन हो जाएगा कि यहाँ पे पुट इन प्लेस करना है प्रॉपर मैकेनिज्म ताकि डिटेक्ट कर सके, रिपोर्ट कर सके सस्पिशियस ट्रांजेक्शन को, ये भी सही है। सी ऑप्शन बोलता है आपका कि यहाँ पे आपको प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए जहाँ डिटेक्ट और रिपोर्ट कर सके फ्रॉड को, या फ्रॉड की कोई बात ही नहीं हो रही है इसलिए गलत हो गया। डी ऑप्शन हो गया कि यहाँ प्रिवेंट कर सके बैंक को मनी लॉन्ड्रिंग टेररिस्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से, बैंक को यूज ना किया सके इस चीज़ से रोकना, ये भी सही है। तो गलत क्या हो गया? सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर थ्री में आइए, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है? ये ऑप्शन है सेमी गवर्नमेंटल बॉडी है, बी ऑप्शन है वर्क्स अंडर डीएफएस, सी ऑप्शन है वर्क्स अंडर एफआईयू, डी ऑप्शन है वर्क्स अंडर आरबीआई। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका, एक तरह का सेमी गवर्नमेंटल बॉडी है ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर फोर, हेडक्वार्टर ऑफ एफएटीएफ इज सिचुएटेड एट, हेडक्वार्टर कहाँ है एफएटीएफ का, यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का? ये ऑप्शन हो जाएगा न्यूयॉर्क, बी ऑप्शन है पेरिस, सी ऑप्शन है न्यू दिल्ली, डी ऑप्शन हो जाएगा जिनेवा। सही ऑप्शन है बी, पेरिस में है बी ऑप्शन। के बाद क्वेश्चन नंबर फाइव में आइए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एफ ए टी एफ आर, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होता है एफ ए टी एफ का, वो आपसे पूछा जा रहा है, यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है। ए ऑप्शन है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जा सके, बी ऑप्शन है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड कॉम्बेटिंग टेररिस्ट फाइनेंसिंग, ठीक है डी सी ऑप्शन हो जाएगा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कॉम्बेटिंग फाइनेंशियल कॉम्बेटिंग टेररिस्ट फाइनेंसिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। सी ऑप्शन के बाद डी ऑप्शन हो जाएगा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कॉम्बेटिंग टेररिस्ट फाइनेंसिंग प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड एंड फंड डाइवर्जन। तो क्या क्या यहाँ ऑब्जेक्टिव है? यहाँ जो ऑब्जेक्टिव है देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोकना, बाकी कुछ काम नहीं है हमें। फ्रॉड से कोई लेना, देखिए प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड आ गया, तो हमें फ्रॉड से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, ये वाला चीज़ से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, और डाइवर्जन ऑफ फंड से भी हमें कोई मतलब नहीं है, ये कोई केवाईसी का नॉर्म्स नहीं है ये और ये, ठीक है, ये दोनों यहाँ पे बेसिकली गलत हो गया। हमें क्या काम करना है? खाली यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग, खाली मनी लॉन्ड्रिंग का काम नहीं है, उसके साथ हमें टेररिस्ट फाइनेंसिंग को भी रोकना है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी। क्वेश्चन नंबर सिक्स भाई, एज पर पीएमएलए 2002 रिकॉर्ड्स रिलेटेड विद फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस टू बी प्रिजर्व फॉर मिनिमम, बोलता है जो पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत रिकॉर्ड्स जो है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के जो रिलेट करता है वो क्या हो, कितना समय के लिए होना चाहिए? ऑप्शन है 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ डॉक्यूमेंट, बी ऑप्शन है 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, सी ऑप्शन है 5 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ रिलेशनशिप, डी ऑप्शन है 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ अकाउंट ओपनिंग।
तो इस पर प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है ट्रांजेक्शन को फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड जो है कम से कम 5 साल के लिए रखना है आपको, ठीक है। एक बार जिस डेट से आपका ट्रांजेक्शन हो गया है, जिस डेट से आपका ट्रांजेक्शन हो गया, 5 ईयर्स फ्रॉम डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल कंप्लायंस विद रेगुलेटरी गाइडलाइंस ऑन केवाईसी एएमएल सेफ्टी। कौन कंप्लायंस, कौन रिस्पॉन्सिबल है ओवरऑल कंप्लायंस के रेगुलेटरी गाइडलाइंस केवाईसी एएमएल सेफ्टी का? ए ऑप्शन है कंप्लायंस ऑफिसर, बी ऑप्शन ऑथोराइज्ड ऑफिसर, सी ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफिसर, डी ऑप्शन डेजिग्नेटेड ऑफिसर। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, प्रिंसिपल ऑफिसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सेप्टेड एज ओबीडी? ओबीडी के रूप में हम किसको एक्सेप्ट कर सकते हैं? ऑप्शन है ड्राइविंग लाइसेंस आफ्टर एक्सपायरी, बी ऑप्शन पासपोर्ट आफ्टर एक्सपायरी, सी ऑप्शन है पेन, डी ऑप्शन है नन। तो यहाँ पे आप ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायरी हो गया तो क्या करेंगे उसमें, ठीक है, ये नहीं चलेगा। पासपोर्ट भी एक्सपायरी के बाद कोई काम का नहीं है, पैन कार्ड में सिर्फ फोटो है एड्रेस नहीं है, ये भी बेकार हो गया, डी ऑप्शन हो जाएगा नन। क्वेश्चन नंबर 9, विच डॉक्यूमेंट विच ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्रेश ऑप्टेन फ्रीक्वेंसी टू ऑप्टेन फ्रेश केवाईसी डॉक्यूमेंट्स? कौन सी बात सही है जहाँ फ्रीक्वेंसी ऑप्टेन करने का फ्रेश केवाईसी डॉक्यूमेंट का? ये ऑप्शन है 8 ईयर्स इन मीडियम रिस्क अकाउंट, बी ऑप्शन है 5 ईयर्स इन मीडियम रिस्क अकाउंट, सी ऑप्शन है 3 ईयर्स इन मीडियम रिस्क अकाउंट, डी ऑप्शन है 10 ईयर्स इन मीडियम रिस्क अकाउंट। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, 8 ईयर्स इन मीडियम रिस्क अकाउंट, ए ऑप्शन, ठीक है, ए ऑप्शन सही है। मीडियम रिस्क अकाउंट में 8 साल में आपको ऑप्टेन करना है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 में, इफ न्यू कस्टमर डिटेल्स नॉट विल नॉट गेट अपलोडेड ऑन सी के वाई सी विद इन डैश आवर्स लीडिंग टू लेवी पेनाल्टी टू द बैंक बाय सरसाई। सरसाई पेनाल्टी लगाता है बैंकों के ऊपर अगर नए कस्टमर डिटेल्स अपलोड नहीं हुए सी के वाई सी विद इन कितने समय के अंदर, 24 घंटा, बी ऑप्शन 72 घंटा, सी ऑप्शन 48 घंटा, डी ऑप्शन 7 घंटा। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 48 घंटे के अंदर अंदर आपको 48 आवर्स के अंदर अंदर सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाना चाहिए सी के वाई सी में, ठीक है, नहीं तो पेनाल्टी सरसाई लगाता है, फिर सी ऑप्शन। यहाँ पर यूको बैंक प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क ऑफिसर के लिए कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर यूको बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपको वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा जो जिसमें के सर्कुलर्स की वीडियो हो जाएंगे, लेटेस्ट कवर करेगा सारे सेक्शन को, क्वेश्चन से डिस्कशन की वीडियो हो जाएंगे, नोट्स हो जाएंगे पीडीएफ में, 3000 सेट क्वेश्चन बैंक हो जाएंगे, 20 मॉक टेस्ट हो जाएंगे। प्राइस रखा गया है 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफलॉन्ग वैलिडिटी के लिए। जहाँ जाकर एक व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, नंबर जाएगा 4×7=6851/27, या फिर वेबसाइट भी जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वेबसाइट जाकर www.jbsavvystudymail.com, ईमेल आईडी जो सीट सेना@gmail.com, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, थैंक यू वेरी मच।